और ये उस वीडियो में मेरे हस्बैंड हैं, इनका बैग नहीं है जैसा आपने वीडियो में देखा, तो इनके लिए बहुत मुश्किल था मेरी टेक केयर करना। और इस बात इनको डॉक्टर ने भी मना किया था कि आप दूर रहें इनसे, जैसा आपको पता है कोविड में सबको बोला गया था कि आप डिस्टेंस मेंटेन करें, बट ही सपोर्टेड मी, ही स्टूड बाय मी। मैं जब बीमार हुई उन्होंने खाना बनाना सीखा, किस तरह से खाना बनाना है, किस तरह से मेरी टेक केयर करनी है। मैं इनको अपने आप से दूर करे जा रही थी, बट आई थिंक ये मैसेज यही कहता है कि आप अपने लव वंस की टेक केयर करिए, उन्हें प्यार करिए, उनका ध्यान दीजिए, चाहे फिर वो कोई भी हो, आपके स्पाउस हैं, आपके मदर फादर हैं या आपके बच्चे हैं। सो दैट इज द मैसेज वी वांट टू स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितना मुश्किल था आपके लिए जॉब ये? मुश्किल तो देखिए सब चीज़ मुश्किल होता है ज़िंदगी में, आप पढ़ाई भी करो तो मुश्किल होता है, यू नो। बट अगर आप वही बोला कि बिलीव करो अपने ऊपर तो आप कर सकते हो, तो मेरा मतलब क्या है कि हाँ तकलीफ होता था, लेकिन यू नो एक मौका मिलता है आदमी को, और वो मौका पे आपको चौका मारना पड़ता है, यू नो। कोई आपको एक वो बोलते ना कि जैसे एज एन एक्टर आपको एक टेक मिलता है, अगर आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप नहीं कर सकते। तो वही एक मौका का तलाश है, तो कोई पेन दिखता नहीं था, कोई दर्द दिखता नहीं था, यू नो आई मीन, कि खाली था कि इसको एक सक्सेसफुल बनाना है जर्नी को, चाहे वो एक मैसेज वही है कि जैसे दुआ दे रहे हम लोग कि ऑल द टाइम यू नो लाइक इन डिफिकल्ट मोमेंट्स एवरीबॉडी शुड बी टुगेदर, यू नो। कोविड में इतने जन हम लोग खो दिए, सो दैट्स द होल थिंग आई वांटेड टू से। कितना प्राउड फील करते हैं इस एल्बम का हिस्सा बने आप? इट वाज वेरी, आपने बताया काफी स्ट्रगल किया, लोग मना कर दे, ऑडिशन देने जाते थे आप, राइट? इट इज वेरी प्राउड बिकॉज यू नो लाइक द थिंग इज मैंने काम बहुत किया लेकिन लीड नहीं मिला, तो वो लीड के तलाश में मैंने बहुत मेहनत किया। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैंने मुश्किल तो सब वक्त आता है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, जो मैंने आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बता दिया था उसमें, और रिजेक्शन तो पार्ट है, क्योंकि आज रिजेक्ट नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका क्लॉजेस क्या है, वीकनेस क्या है। सब जन रिजेक्ट होते हैं, यू नो लाइक टॉप अमेरिकन नेक्स्ट टॉप मॉडल लाइक टायरा बैंक्स आल्सो गॉट रिजेक्टेड, बी फ्रैंक विद यू, ओके। पर सबसे सीखने को मिलता है कि एक जिंदगी आसान नहीं है, यू नो, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ टू गेट वेयर यू वांट। बॉलीवुड में एंट्री मार दी आपने? बॉलीवुड में एंट्री तो मार दी, लेकिन अभी और भी करना है, बस वही है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये शुरुआत है, और ये जर्नी की यू नो एक वो है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। उम्मीद पर ही दीवारें खड़ी होती हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि हर आदमी को प्रोत्साहित कीजिए, उत्साहित कीजिए, कम से कम वो जब उत्साह में आएगा तो दूसरे का उत्साह बढ़ाएगा, और जब वो काम करेगा तो नाम होगा, नाम होगा तो दुनिया के बीच में ही नाम होगा, इससे ज्यादा की जरूरत क्या है। मैं आप लोगों के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा, और वह इसलिए कहना चाहूंगा कि कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे, सम्मान मानव का अगर गिर गया तो शमशान से वो कफन बेच देंगे, मीडिया अगर जागती है तो देश की रक्षा होती है। इसलिए पत्रकार बंधु सजग होकर देश को के नौजवान को जगाइए, भारत को महान बनाइए, और इस तरह जो चल रहा है कि उनसे इस देश को बचाइए, नफरत की आग को बुझाइए, मोहब्बत के बेल को लगाइए, यही चीजें हम आपसे उम्मीद रखते हैं, आप हमसे जो उम्मीद रखते हैं हम उनसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद। फारूक भाई फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सच अ गुड इवेंट ऑन अ नोबल कॉज, क्योंकि कोविड 19 जो पैंडेमिक है जिससे कि सारे विश्व प्लस सारे देश प्लस सारे लोगों को मतलब इतनी मतलब डिफिकल्टी हुई है इसके इस फेज में, और इस फेज में ऐसे नोबल काम करना, लोगों की सहायता करना, लोगों की मदद करना, हमने भी काफ़ी लोगों की सहायता की है, 18,000 लोगों को हमने यहाँ से यूपी भेजा किया, जिसमें कि प्रेगनेंट लेडीज़ और छोटे छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजन सबको यहाँ से यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हावड़ा सब जगह हमने भेजा था हमारे एनजीओ की तरफ से। और मैं फारूक जी का जो अभी जो इनका जो मदर फाउंडेशन जो उन्होंने लॉन्च किया है उसमें भी मैंने उनको प्रॉमिस किया कि हम लोग हमारी तरफ से उनको सपोर्ट देंगे। आई थैंक एवरीबॉडी वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। हम कैंसर पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं, ये है जो मेन मैनेजिंग ट्रस्टी मिस्टर सईद मियां उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी, एंड वी स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल,
आप बताएं सर, आप किस तरह से जुड़े हुए हैं आज के प्रोग्राम के बारे में और अवार्ड जो दिया इसके बारे में क्या कहेंगे? आज का जो प्रोग्राम हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और हमको जो उन्होंने जो अवार्ड से नवाजा हमको बड़ी खुशी हुई उसकी। हमको ऊपर वाले की तरफ से जो गिफ्ट मिला, हमने जो लोगों की हेल्प की है उसकी तरफ से हमको ये आज गिफ्ट मिला, हमको बड़ी खुशी हुई। प्रोजेक्ट मदर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्या कहना चाहिए आज के प्रोजेक्ट मदर? ये एक लेट मी रिफ्रेज इट, प्रोजेक्ट मदर यू हैव टू सेव मदर, डोंट डू नॉट फॉरगेट ब्रॉट अस इन दिस वर्ल्ड। ये हमारा मोटिव है और ये हमारा मोटिव है प्रोजेक्ट मदर का, कि जो हमने हिंदुस्तान के अंदर हमारी माँ जो रूरल एरियाज के अंदर मर रहे हैं, जो इतने अब तक उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, उनके लिए मैंने 100 मैटरनिटी होम खोलने का इरादा किया है और हमारा फर्स्ट पनवेल में हम लोग स्टार्ट करेंगे। मनीष भाई जैसा फर्स्ट प्रोजेक्ट मदर हमारा वहाँ से स्टार्ट होगा और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोग उस जगह पर खोलेंगे जहाँ पर जो माओं को ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। और हम लोग एक माफ कार्ड MAF इस मुन्नी अयूब फाउंडेशन जो मेरे माओ के नाम पर हम लोग बोल रहे हैं, जिसके ज़रिए हम लोग जितने हिंदुस्तान की माएँ हैं जो यू नो दे विल कम इन टू द कॉन्टैक्ट, उसके लिए फ्री इलाज का हम लोग पूरा एक प्लान और एक सिस्टम बनाएंगे जिससे उनका फ्री इलाज होगा, उनकी फ्री ट्रेनिंग होगी, उनके एजुकेशन हम वहाँ पर देंगे। प्रोजेक्ट मदर के अंदर हम सिर्फ मैटरनिटी होम्स नहीं खोलना है, वहाँ पर इन माओं को जो अनएजुकेटेड हैं रूरल एरियाज में वो वहाँ पर आके एजुकेटेड होंगे और उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर मैं पूरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमको फोकस करना है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि आप देखते हैं कि हर गरीब के घर के अंदर ही अपाहिज क्यों है, अंबानी और उनके जैसे बड़े बड़े पैसे वालों के घरों में क्यों अपाहिज नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस एग्जैक्ट प्रॉब्लम कि उनके पास में जो गांवों में जो औरतें हैं उनको वो ट्रीटमेंट वो नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, दैट्स व्हाई ये मेरा प्लान है और ये मेरे खुद के घर के अंदर हुआ है। मेरे खुद का बड़ा भाई जो था जो दुनिया में नहीं आ सका, वो इसी वजह से ही कि हमारे घर में ट्रीटमेंट तक नहीं पहुँच पाए कि हमारे पैसे नहीं थे, मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे, हमारे फादर के पास पैसे नहीं थे। तो ये प्रोजेक्ट मदर बहुत बड़ा है और इसमें पूरे हिंदुस्तान का मुझे सपोर्ट चाहिए, जैसे मनीष भाई यहाँ पर बॉम्बे में और इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, इन्होंने फर्स्ट मेरे साथ कोलैबोरेशन करके ये जॉइंट हैंड है जस्टिन एंड केयर फाउंडेशन और हमारा पहला प्रोजेक्ट ब्रदर मदर खुलेगा पनवेल के अंदर। पनवेल में मैं भानु जी का मैटरनिटी होम खोलूँगा, मैं और मनीष एक ही हैं, हम साथ ही काम करते हैं, मैटरनिटी होम पनवेल में मैं खोलूँगा। मनीष ट्रस्ट है विस्तार चलते भी पूरे कोविड में खाना खिलाते रहे, तो इनका भी वही काम था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ मैं और ये अपनी मदर की बड़ी सेवा करते हैं ये देखकर तो मेरा दिल भर आया। और ये जो एक्टर थे इनके एल्बम में इनसे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, किसी मकसद के लिए आए, ये ऐसे ही नहीं चले आए कि कोई इवेंट करते हैं, तो इनको देख कर मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, में सीखना चाहिए इन लोगों से, सीखना चाहिए इतने दूर दराज देशों में बैठकर एक नेक मकसद लेकर ये हमारे मुल्क में आते हैं और हमें अप्रिशिएट करके कुछ कर रही है। तो ये मेरा इनसे वादा है कि इनका जो पहला मैटरनिटी होम है वो हम पनवेल में मैं खोलूँगा, फारूक भाई को जरूर बुलाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोग से एक बात, आई थिंक ये शाहरुख खान का डायलॉग है या किसी ने उनके लिखा होगा,
कि अगर कोई दिल से पीछे आप जाओ शिद्दत से जुड़ जाती है, तो अगर मैंने 100 का मैंने इरादा किया तो सिर्फ इरादा होता है। आप लोग कोई भी इरादा कर लो, अगर आप घर से निकलने से पहले आप एक इरादा कर लो कि यार सारा में मुझे जाके इवेंट करना है, तो आप कैसे गाड़ी में बैठ जाते हो, किस तरह आप यहाँ तक पहुँच जाते हो, किस तरह राइट लेफ्ट रहते हो, सिर्फ इरादा होता है। तो आप लोग कोई भी छोटा इरादा किसी की मदद करने के लिए रहते हो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है। तो ये शुरू में एक हो गया है, ऐसे 10 बनेंगे, 20 बनेंगे और मेरे जाने के बाद 1000 बन जाएंगे। तो हमको हमारा अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई पर्पस नहीं है तो हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो प्लीज़ ये प्रोजेक्ट मदर के लिए आप बहुत बहुत मेरी मदद करें, और जो हम लोग ने वीडियो बनाया है उसको इतना आप लोग प्लीज़, ये वीडियो नहीं है, इसको कोई फेमस या कोई चीज़ का नहीं है, इट्स अ प्रोजेक्ट टू सेव लाइफ। प्लीज़ इस वीडियो को, 7 वीडियो को मोहम्मद इरफान जो सिंगर इनके और राशिद खान के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो प्लीज़ इसको इतना प्रमोट कीजिए ताकि हम लोग घर घर ये जाके पहुँचे और लोगों की मेंटालिटी चेंज हो। हम म्यूज़िक के जरिए, लिरिक्स के जरिए और विजुअल के जरिए लोगों की ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। और रशिया के अंदर हमारी म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ होती है तो वो लोग रोते हैं, उनको लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती, तो कितना इम्पैक्ट है। तो इसीलिए मैंने म्यूज़िक वीडियो बनाया साथ, तो प्लीज़ पूरे मीडिया से आपका हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको मैं 6 लैंग्वेजेस में डबिंग कर रहा हूँ ताकि हर लैंग्वेज में इसका एक रिलेशनशिप बने। तो प्लीज़ आप लोग इस 7 म्यूजिक वीडियो को इतना प्रमोट करें कि ताकि हर कोई इसे रिलेट है और लोग भी जान सकते। मेरा मनीष जी से सवाल है कि मनीष जी आप कैसे जुड़े फारूक जी से, क्या फाउंडेशन से कैसे जुड़े, आपकी कंपनी कैसे, कैसे आप लोग जुड़े? उसके लिए बताना चाहता हूँ कि अगर किसी का मकसद थोड़ा पॉजिटिव हो तो उसके लिए जैसे फारूक भाई ने बोला कि कायनात जुड़ जाती है, तो उनका जो पॉजिटिव वे देख के मैंने बोला कि फारूक भाई मैं इंडिया में आपके लिए 24 आवर्स कोई भी नोबल कॉज हो या पर्सनल प्रॉब्लम हो या कोई भी इनिशिएटिव लेना हमें डू एंड इनके जज्बे को थैंक यू करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो अमेरिका में इतना बड़ा काम किया है, म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया है और इन्होंने जो बट आई टुडे पता चल गया मुझे कि आपके पास कितना मोटिवेशन है, आप कितने लोगों के लिए मोटिवेशन बनोगे यार। तो ऐसे लोग अगर जुड़ेंगे तो बहुत आगे लोग बढ़ते जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच कि हम लोगों ने ये प्रोग्राम अरेंज किया, थैंक यू सो मच। आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी है हमें कि हमने जो नोबल कॉज हमने जो अनाउंस किया है कि 100 होम्स हमें बनाना है, उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे और आगे भी हम लोग ऐसे नोबल कॉजेस ऐसे हम लोग प्रमोट करते रहेंगे। जुड़े हैं क्या क्या प्लानिंग है थोड़ा कुछ अगर आप बताएं जी? पहले तो इसके लिए हमें रूरल एरियाज में कितने लोग रहते हैं उसके बारे में रिसर्च किया, कितने लोग जो है पुअर फैमिलीज हैं जिनको जैसे अपोलो हॉस्पिटल्स हैं, लाइफ बड़े बड़े हॉस्पिटल जिनमें उनको उतना फीस नहीं पे कर पाते, तो हमने एक रिसर्च करके सबका एक कार्ड बनाएंगे। उसके अलावा हमने 2000 स्क्वायर फीट की जगह हमें उसके लिए एक्वायर किया है, उसमें हम लोग अपना एक प्रॉफिट तरीके से उसकी पूरी प्लानिंग है। क्या आप सरकार से मदद लेने के लिए कुछ अपील करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि लगातार सरकार की भी मुहिम है कि हेल्थ सर्विस में काम किया जाए? क्योंकि सरकार अगर हमें मदद करेगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो देखिए क्या होता है, हम किसी के लिए रुकते नहीं, हमारे साथ जितने जुड़ते जाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे, सरकार करेगी तो हमें एक पंख लग जाएगी। फारूक भाई जिस तरीके से आपने बाहर देशों में भी काफ़ी मदद की है लोगों की, इंडिया में आने के बाद किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, किसी तरीके की हेल्प या कोई साथ दे रहे हैं साथ में? आई थिंक आप यहीं देख सकते हैं यहाँ पर इस इवेंट में कि मेरा तो एक विशाल लेकर आया था और आई थिंक मुझे ऑनर कर रहे थे यहाँ पर, जो मैंने इंडिया का नाम वहाँ पर US में किया, तो वो एक बिगिनिंग थी और अब सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैंने 100 का एक मेरी माँ को लेके आना इसका एक रीज़न ही था कि प्रोजेक्ट मतलब मुझे अनाउंस करना, क्योंकि मेरे 4 साल से इसकी प्लानिंग थी जब मैं शूटिंग के लिए देखा था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मनीष भाई और सर जुड़ गए यहाँ पर कि एक खुल गया, तो इसी तरह आई थिंक बहुत लोग हैं जो जुड़ेंगे इसके ऊपर और इट्स जस्ट अ थॉट। तो मुझे बड़ा बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसके लिए और आई थिंक जिसका दिल साफ़ है और जिसकी नीयत साफ़ है तो खुदा और मालिक ऊपर वाला रहम पे इतना बरसाएगा कि आप जब सुबह उठोगे दिखेगा कि आपको 100 बन गए। इसका ब्रांड एम्बेसडर तो अभी मालिक ही है और कोई नहीं है, एंड आई डोंट थिंक सो आई वांट टू मेक एनीबॉडी एज अ ब्रांड एम्बेसडर, और जब होगा जब देखेंगे सर। वाजी करके एक गरीब व्यक्ति था, वो रहता था उड़ीसा में, उसकी पत्नी का ट्रीटमेंट इसलिए नहीं हो पाया उसके गांव से शहर के बीच में एक 22 किलोमीटर का एक वो था पहाड़ था,
रास्ता नहीं था, वो अपनी वाइफ को रास्ता ना होने के कारण ट्रीटमेंट नहीं करा पाया, तो उसने एक संकल्प लिया। संकल्प क्या लिया, उसने अकेले दम पर एक छेनी और हथौड़ी लेकर के 22 साल में 22 किलोमीटर रोड अकेले बना डाला। और जब वो बना रहा था तो उस गांव के लोग और बहुत सारे पत्रकार लोग आपके जैसे पूछने के और उसके ऊपर हंसते थे, तो उसने बोला आज आप हंस रहे हो लेकिन ये मैं नहीं चाहता कि दूसरा दशरथ मांझी की वाइफ का इलाज या गांव के किसी व्यक्ति का इलाज रास्ते के लिए नहीं हो पाया, और उसने वो कारनामा करके दिखाया। तो वो इंसिडेंट बिल्कुल इनके ऊपर लागू होता है, और मुझे विश्वास है कि इन्होंने जो 100 ये मदर हॉस्पिटल का एक संकल्प लिया है, ये उन्हीं दशरथ मांझी की तरह इनका एक न एक दिन जरूर पूरा होगा, और मुझे विश्वास है कि ये उस अपने संकल्प पे कामयाब होंगे। खाली इनके बारे में एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, जो केयर फाउंडेशन है, इट्स रियली केयरिंग टू द नीडी पीपल एंड इट शुड गो ऑन। Not only in professionalism and the team, but also in the personal aspect. Because the very first thing that I really, really admire about him is that he's making his mom and dad responsible for whatever he's doing. And that's one of the best things which I have ever seen in a guy, as a professional aspect, as well as in the personal camaraderie. Now, talking about this CARE Foundation program,